हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज आप लोग का फर्स्ट है दिया गया आप लोग का इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया डियर दिया वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूर रखे दो आवेश गोलों पर क्रमशः 2×10⁻⁷ तथा 3×10⁻⁷ आवेश है, इनके बीच कितना बल है। इट मीन्स का डियर दिया इसमें दो आवेश दिया है, इट मीन्स का क्या दो गोले दिया है। मान लेते हैं ये गोला हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर क्या डियर फर्स्ट है, जिसमें फर्स्ट में एक गोला ये है दूसरा गोला ये है, दोनों के बीच की दूरी दी गई है, दोनों के बीच की दूरी आर मान लेते हैं, और आर क्या दिया हमारे पास 30 सेंटीमीटर। क्या दिया डियर 30 सेंटीमीटर दिया है, तो 30 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, किसमें कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का भाग देंगे, 100 से भाग देंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, इट मींस आर इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा 10 का भाग देंगे तो 0.3 क्या बचेगा 3 मीटर में टूट गया। नेक्स्ट अगला प्रोसीजर क्या दिया डियर, जिसमें आप लोगों का एक आवेश दिया Q1, इस आवेश को मान लेते हैं Q1 और इसको मान लेते हैं हम लोग Q2, तो Q1 का मान डियर हमारे पास दिया गया इसमें 2×10⁻⁷ कूलम, एंड Q2 का मान दिया डियर हमारे पास 3×10⁻⁷ क्या दिया है -7 कूलम। ठीक, यानी दोनों के बीच की दूरी डियर दिया गया हमारे पास 0.3 मीटर, और Q1 का मान 2×10⁻⁷ कूलम, Q2 का मान दिया डियर हमारे पास 3×10⁻⁷ क्या दिया -7 कूलम। इट मीन हम जानते हैं क्या है इसमें, यहाँ पे F इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 × Q1 × क्या होता है Q2, और पूरे का मान क्या होता है आर स्क्वायर होता है। डियर हम जानते हैं कि कूलम के नियम अनुसार जानते हैं F इक्वल टू होता है 1/4πε0 × Q1 × Q2 पूरे का मान क्या आर स्क्वायर, वेयर जो F पे लगने वाला क्या है बल है, और ये 1/4πε0 क्या है कॉन्स्टेंट है, Q1 क्या है प्राथमिक आवेश है, और ये क्या है द्वितीय आवेश क्या है, एक गोले का आवेश क्या है Q1 है और दूसरे गोले का आवेश क्या है Q2 है, और दोनों के बीच की दूरी क्या है आर स्क्वायर है। मान पुट करते हैं वेयर 1/4π जो एप्सिलॉन नॉट दिया है इसका मान होता है 9×10⁻⁷ क्या होता है 9 Q1 का मान हमारे पास दिया 2×10⁻⁷ क्या दिया है -7, और Q2 का मान क्या दिया 3×10⁻⁷ क्या दिया है -7 कूलम, पूरे का मान आर का मान क्या दिया हमारे पास 0.3 क्या दिया है 3 का अर्धिक स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 9×10⁻⁷ क्या हो गया 9 हो गया, द्वितीय कितना होगा हमारे पास 6 होगा, 10^2 क्या होगा -14, पूरे का मान हो जाएगा 3×3 9 और 10^10 की 2 स्थान, तो इस कंडीशन में हो जाएगा 0.0 क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे डियर, तो हम क्या करते हैं इसको पूर्णांक बना लेते हैं, पूर्णांक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से नीचे गुणा करना पड़ेगा और 100 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा, इस कंडीशन हमारे पास हो जाएगा डियर 9×10⁻⁷ क्या हो गया 9 हो गया, 6×10⁻⁷ कितना हो गया हमारे पास -14×10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पूरे का पान 9 हो जाएगा, क्योंकि 100 का गुणा करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होगा, ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे ये बच गया 6×10⁻⁷ बच जाएगा हमारे पास, गुणा करना तो कोई जोड़ लेते हो तो ये हो गया 9 और -14 और प्लस क्या हो गया हमारे पास 2 हो गया, तो इस कंडीशन में हो जाएगा 6×10⁻⁷ 9 2 11 14 में से आप लोगों का 11 जगह क्या बचेगा -3 है, मीन्स क्या होगा ठीक है जो दोनों गोलों के बीच रहने वाला जो बल है ये बराबर 6×10⁻⁷ क्या आएगा -3 कूलम, 3 क्या आएगा न्यूटन आएगा, जो बल का मात्रफल गुणा 3 होता है न्यूटन होता है। नेक्स्ट अगला कंडीशन दिया डियर की 0.2 माइक्रो कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेश गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है, दोनों गोलों पर 0.8 माइक्रो कूलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या है और दोनों गोले पर वाले गोले के कारण कितना बल लगता है, इस कंडीशन में डियर क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास दिया क्या है, तो इस कंडीशन में डियर हमारे पास दिया क्या है 0.4 माइक्रो कूलम, ये मान क्या है Q1 है, एंड Q1 का मान ये दिया है, और Q2 का मान हमारे पास दिया 0.8, Q2 का मान क्या दिया 0.8 माइक्रो कूलम, और दोनों के बीच लगने वाला जो बल दिया डियर
तो 0.1 क्या दिया, 2 न्यूटन दिया है, तो इट मींस डियर ये बल का मान दिया है, T1 का मान ये दिया है, T2 का मान ये दिया है, डियर ये क्या प्रैक्टिक है, उसकी को आप लोग क्या कीजिए फॉलो कीजिए, जिसके कारण फिजिक्स आप जिसके कारण जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल पार्ट है बड़े प्यार से लगेंगे। तो इस कंडीशन में याद कर लीजिए मिली माइक्रो और क्या होता है नैनो और क्या होता है पीको, यदि हमारे पास जो चार्ज है दिया मिली कूलाम दिया है, माइक्रो कूलाम दिया है, नैनो कूलाम दिया है, पीको कूलाम दिया है, अगर इसको तोड़ना चाहे हम लोग कूलाम में, किसमें कन्वर्ट करना चाहे कूलाम में, यानी हमारे पास दिया हो मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम और क्या दिया हो पीको कूलाम, इस कंडीशन में अगर हम कूलाम में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मिली कूलाम को 10^2 के अगर -3 से गुणा कर ले तो कूलाम में टूट जाएगा, जो भी अमाउंट दिया रहेगा उसमें 10^-3 का गुणा कर लेंगे, माइक्रो कूलाम दिया 10^-6 का गुणा कर लेंगे, नैनो कूलाम दिया 10^-9 का गुणा कर लेंगे और पीको कूलाम दिया 10^-12 का गुणा कर लेंगे, ये तीन सारे के सारे अमाउंट किसमें टूट जाएंगे कूलाम में टूट जाएंगे। नेक्स्ट आगे इसको लगाते हैं तो चूंकि हमारे पास सूत्र होता है फॉर्मूला होता है बराबर क्या होता है 1/4 क्या होता है 4π एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 पूरे का मान क्या होता है R² होता है डियर, वेयर आप लोग जानते हैं ये कांस्टेंट होता है, Q1 क्या है आप लोगों का पहले गोले का व्यास, Q2 क्या है दूसरे गोले का व्यास, दोनों के बीच की दूरी क्या है R है। तो इस कंडीशन में क्या कर लेंगे इसका मान पुट कर लेते हैं, ये आपका मान डियर हमारे पास दिया 0.2 एंड इसका मान हम लोग जानते हैं क्या होता है 9×10^9 क्या होता है 10^9 होता है इंटू लिखना चाहे तो T1 का मान हमारे पास दिया 0.4 माइक्रो कूलाम दिया, क्या दिया डियर माइक्रो कूलाम, तो इस माइक्रो कूलाम को तोड़ना चाहे तो हम लोग तोड़ सकते हैं 10^2 क्या कर देंगे -6 से गुणा कर देंगे, किसमें टूट जाएगा म्यू क्रॉस हो जाएगा क्या बच जाएगा कूलाम बच जाएगा। सिमिलरली Q2 का मान जब पुट करेंगे डियर तो 0.8 × 10^2 क्या कर देंगे -6 ये किसमें टूट जाएगा कूलाम में टूट जाएगा। नेक्स्ट आगे हमारे पास आर का स्क्वायर हो गया डियर, किसका स्क्वायर हो गया R का स्क्वायर, यानी इट मींस क्या इस सवाल में R का मान पूछा है दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, इस कंडीशन में क्या कर देंगे R का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो R² हमारे पास हो जाएगा 9×10^2 क्या जाएगा 9 हो जाएगा इंटू 4/2 क्या होता है 32 इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हम लोग 0.32×10^2 माइनस क्या लिख सकते हैं 12 क्यों लिखेंगे 4/32 और 2 × 10^2 का सक जाएगा 4/32 और पूरे का मान क्या जाएगा 0.2 हो जाएगा 0.2। इस कंडीशन में जब आगे बढ़ाएंगे इसको डियर तो क्या कर लेते हैं इसमें इसको पूर्णांक बना लेते हैं, पूर्णांक बनाएंगे डियर तो इस कंडीशन में हो जाएगा 100 का ऊपर गुणा कर लेते हैं 100 का गुणा नीचे करेंगे, हाँ 100 का गुणा क्यों करेंगे डियर 0.2 है यहाँ पर 2 अंक है यहाँ पर कितने अंक है तो हम क्या करेंगे 2 अंक को पूरा बनाने के लिए 100 का गुणा ऊपर करेंगे 100 का गुणा नीचे कर देंगे। तो नेक्स्ट अगर कंडीशन में डियर क्या हो जाएगा हमारे पास R² हो जाएगा हमारे पास 9×10^2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा इंटू और ये हो जाएगा हमारे पास 32×10^2 क्या हो जाएगा -12 और पूरे का मान हमारे पास हो जाएगा 2× क्या बच जाएगा 10 क्यों क्योंकि यहाँ पर 100 दिया गया एक गुणा एक जीरो तो पूरा चला गया और हमारे पास एक जीरो बच गया इट मींस क्या बचा 10 बचा है। इस कंडीशन में डियर हम इसको प्लस करना चाहे तो 2×16 क्या जाएगा 32 इस कंडीशन में जाएगा 16 में कट जाएगा तो R² = 16 क्या होता है 144 यानी 144×10^2 माइनस क्या बच जाएगा आप लोगों के पास ये 9 बचा है और ये क्या है डियर आप लोगों के पास 12 है माइनस का बाद -3 बचेगा क्या बचेगा -3 और इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे ऊपर कहाँ ट्रांसफॉर्म कर देंगे ऊपर तो सिंबल किसका आ जाएगा माइनस का -1 इट मींस क्या हुआ डियर R² = क्या हो गया 144×10^2 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा और ये स्क्वायर है स्क्वायर को क्या करेंगे ट्रांसफॉर्म उधर कर देंगे सिंबल किसका आ जाएगा रूट बना लेगा तो R = हमारे पास रूट में क्या आ जाएगा 144×10^2 क्या जाएगा -4 हो जाएगा और आगे इसको बढ़ाएंगे तो 144 जानते हैं ये 12 का वर्ग है और 10^2 क्या जाएगा -2 ये किसी में गिरेगा मीटर में किसी में गिरेगा मीटर में वाटर सर सीट हम चाहते हैं इसको सेंटीमीटर में तो 100 से गुणा कर देंगे इट मींस क्या होगा 12×10^2 क्या होगा -2 क्या कर देंगे 100 = 12×10^2 क्या जाएगा -2 क्या जाएगा 2 इसका मतलब ये पूरा मान क्या जाएगा 1 हो जाएगा और बचेगा क्या 12 सेंटीमीटर। तो डियर अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया K² पूरे का पर GME × FB जो पूरा हमारे पास एक मान है
ये क्या होगा, भीमाहीन राशि होगा। फिर आप लोग जानते हैं के क्या कंस्टेंट है, ई क्या इलेक्ट्रिक, जो ई है इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज है, और जी क्या हमारे पास सार्वभौतिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एफ ई क्या मास ऑफ क्या है प्रोटॉन। इस कंडीशन में क्या करेंगे, हमको इसको भीमाहीन सिद्ध करना है। तो भीमाहीन कैसे सिद्ध करें, सिद्ध करेंगे आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस कंडीशन में हम जानते क्या है, इसको थोड़ा इसका रफ डायग्राम है, इस रफ को थोड़ा समझ लेते हैं सबसे पहले। तो इस कंडीशन में हमारे पास दिया है कि तो ऑल्सो वी नो डेट, हम जानते हैं कि यह स्पष्ट क्या होता है, वन अपॉन क्या होता है फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है क्यू वन इंटू क्यू टू, अब पूरे का मान क्या होता है आर स्क्वायर डी एफ, ये तो हम कूलॉम का नियम जानते हैं। और ये जो हमारे पास वैल्यू होता है सब का सब क्या होता है कंस्टेंट। तो ये स्पष्ट लिखना चाहे तो के इंटू क्या लिख सकते हैं, क्यू वन इंटू क्या लिख सकते हैं क्यू टू, पूरे का मान क्या लिख सकते हैं आर का स्क्वायर, जिसका कोई इसका मैं लिखे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, इट मीन क्या किसी संख्या में इसे भाग दिए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस कंडीशन में हमारे पास हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा के इंटू क्या होगा क्यू वन इंटू क्या होगा क्यू टू होगा। अब यहां से हमें के का मान निकालना है, किस के का मान निकालना है सर, तो इसके का मान निकालना, तो इसके का मान निकालेंगे हम लोग, तो के इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, अब पूरे का मान क्या हो जाएगा हमारे पास क्यू वन इंटू क्या होगा क्यू टू होगा। इस कंडीशन में हमें भीमाहीन सिद्ध करना है, तो इट मीन क्या करना पड़ेगा, इसका भीमा निकालना पड़ेगा। तो भीमा निकालने के लिए हम जानते हैं बल का भीमा क्या होता है हमारे पास एम एल टी टू पर क्या होता है माइनस टू चार्ज, यानी जो बल का भीमा होता है यह क्या बल है, तो बल का भीमा ये होता है आर क्या हमारे पास दूरी है, क्या है दूरी। तो इस कंडीशन में आर का जो हम लेंगे लेंथ लेंगे एल का क्या होगा स्क्वायर होगा पूरे का अपान, क्योंकि हम जानते क्या है कि हम एक नोटेशन और होगा डीएल कि क्यू बराबर हम जानते हैं यहां से क्यू बराबर क्या जानते हैं आई टी, क्यू बराबर क्या जानते हैं आई टी, यानी आवेश बराबर धारा गुणा क्या होता है समय होता है, और जो धारा का जो बीमा डीएल निकलेगा वो निकलेगा ए टाइमिंग का जो निकलेगा बीमा क्या निकलेगा टी, इट मीन्स क्या है क्यू का निकाले चाहे ई का निकाले इस दोनों का बीमा क्या होगा ए टी होगा। और चूंकि हमारे पास क्यू वन इंटू क्यू टू चल रहा है तो इस कंडीशन में लिखना चाहें तो ए टी और इंटू क्या लिख सकते हैं हम लोग ए टी लिख सकते हैं डीएल। नेक्स्ट आगे जब प्रोसीजर को बढ़ाएंगे हम लोग तो के इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा डीएल, यम हो गया यल हो गया टी टू दी पावर माइनस टू चार्ज, यल का स्क्वायर हो गया और ए गुण ए करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर ऊपर जाएगा किसका जाएगा माइनस का, और टी गुण टी करेंगे क्या जाएगा पी स्क्वायर ऊपर जाएगा किसका जाएगा माइनस का, यानी क्या ए गुण ए किया तो ए स्क्वायर को ट्रांसफॉर्म करेंगे ऊपर तो हो जाएगा माइनस का, टी गुण टी करेंगे ऊपर ट्रांसफॉर्म करेंगे किसका जाएगा माइनस का। फिर मीन्स के का जब मान निकालेंगे डी तो हमारे पास हो जाएगा यम हो गया और यल यहाँ पे चल रहा है यहाँ पे स्क्वायर चल रहा था मीन्स क्या यल का क्या हो गया क्यू हो गया, यानी यम यल क्या हो गया क्यू हो गया, यहाँ पर टी का स्क्वायर चल रहा है यहाँ पर टी का माइनस टू चार्ज, यानी स्क्वायर दोनों माइनस का है तो टी पर क्या हो जाएगा माइनस चार, और ये बच जाएगा हमारे पास क्यू टू दिपॉर क्या बच गया माइनस टू चार्ज, मीन्स क्या इस के का जो कंस्टेंट है वो निकल गया हमारे पास, इतना बीमा निकल गया। हम निकालते थे इस सार्वभौतिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, सार्वभौतिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक निकालेंगे तो हम जानते हैं कि जी सॉरी दो पिंडों के बीच लगने वाला जो बल होता है डी है दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के बल की क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। इस क्या हुआ डी है कि जी इंटू क्या होता है हमारे पास यम वन इंटू यम टू पूरे का फल क्या होता है आर स्क्वायर, ये क्या होता है सार्वभौतिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की कंडीशन में एक रिलेशन होता है, आप लोग कहेंगे तो उसके बारे में आगे डिस्कस कर लीजिएगा, फिलहाल देखते हैं इसको। तो इस कंडीशन में इसका निकालेंगे हमें चाहिए किसका मान जी का मान चाहिए, तो इस कंडीशन में हो जाएगा हमारे पास एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी एम वन इंटू एम टू का ये हो जाएगा डीयर, हमें जी का मान चाहिए तो जी का मान निकालेंगे हम लोग, तो ये पूरा आप लोग का ये पूरा भी चल रहा है किसमें टूट जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा आप लोग के पास एफ आर स्क्वायर पूरे का मान क्या हो जाएगा एम वन इंटू क्या हो जाएगा एम टू होगा। नेक्स्ट आगे प्रोसीजर को बढ़ाएंगे डीयर तो क्या हो जाएगा हमारे पास बल का बीमा जानते हैं क्या होता है हमारे पास बल का बीमा ये हो जाएगा यम एल टी टू दिवर क्या होता है माइनस टू चार्ज, यानी यम एल टी टू पर क्या होगा माइनस टू चार्ज, और ये क्या आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर का मतलब डीयर क्या होगा हमारे पास ये हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर पूरे का अपान डीयर, अगर लिखना चाहें तो ये क्या मास है भी क्या मास है और मास को शो करते हैं किस यम से, यानी यम गुणे यम करेंगे तो क्या हो जाएगा यम का स्क्वायर। आगे डीयर पढ़ाएंगे इसको तो क्या करते हैं शेड्यूल करते हैं इसको, इस कंडीशन में जो बीमा निकलेगा यम हो गया और
ये टू चार्ज ऊपर जाएगा, किसका जाएगा माइनस का, इट मीन क्या बचेगा, यम इनवर्स बचेगा और यल का क्या जाएगा, क्यू हो जाएगा डीएल, यानी यल यहाँ पे एक है, यहाँ पे क्या दो दो एक क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा और टी टू दी पावर क्या बच जाएगा माइनस टू चार्ज बच जाएगा। इट मीन क्या हमारे पास जो जी का भी मान निकला डी एल वो निकला यम यल यम माइनस वन चार्ज और यल पे क्यू और टी टू पर क्या हो गया माइनस टू चार्ज। हेंस लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हम लोग, हेंस लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से के ई स्क्वायर पूरे का अपन जी यमी इंटू यम पी, तो हम निकाल चुके हैं के का क्या मान निकाले हम लोग, के का मान ही निकाले क्या निकाले हैं यमी यम और क्या है यल का क्यू और टी टू दावर क्या है माइनस फोर और क्या है ए का स्क्वायर है माइनस का और ये हो जाएगा हमारे पास ए का बीमा ई का निकालना चाहिए तो बता चुके हैं आप लोगों को क्यू बराबर क्या होता है आई टी चाहे आवेश बोलिए और इलेक्ट्रॉन का आवेश चाहे आवेश दो बोथ आर इक्वल। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारे पास आई टी हो गया और इस कंडीशन में जो बीमा निकलना है क्या निकलना है एटी निकलना है तो इसको लिखना चाहे तो ये हो जाएगा हमारे पास एटी का स्क्वायर इट मीन क्या है ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर क्योंकि ई है ई भी क्या होता है आवेश होता है क्यू भी क्या होता है आवेश होता है। पूरे का मान निकलना चाहे तो लिख सकते हैं हम लोग जी का बीमा निकाल चुके हैं जी का बीमा निकाले यहाँ टू दी पावर माइनस वन यल पे क्या हो गया क्यू हो गया और टी टू पावर क्या हो गया माइनस टू चार्ज और ये मास अब क्या इलेक्ट्रॉन है मास अब क्या प्रोटॉन है इस कंडीशन में यम का क्या जाएगा स्क्वायर होगा सर क्यों होगा यम स्क्वायर क्योंकि मास को किससे शो करते हैं यम से शो करते हैं। नेक्स्ट आगे जब इसको बढ़ाएंगे हम लोग तो हमारे पास क्या है यम है और यम का क्या है इनवर्स है तो इस कंडीशन में हमारे पास दो यम यहाँ पे यम आप लोग का एक यहाँ पे है यहाँ पे माइनस वन यहाँ पे क्या है प्लस टू है तो प्लस टू में से माइनस वन जाएगा तो प्लस वन बच जाएगा और प्लस वन को ऊपर ट्रांसफॉर्म कर देंगे किसका जाएगा माइनस का इट मीन्स क्या बच गया यहाँ पे यम पे कुछ नहीं बच रहा है और जो यल का क्यूब है डी यल का क्यूब है यल के क्यूब से यल क्यूब गया और टी टू पावर क्या चल रहा है फोर चल रहा है माइनस का प्लस टू चल रहा है ऊपर बचेगा माइनस टू माइनस टू और ये जाएगा ऊपर किसका जाएगा प्लस का इट मीन्स क्या ये पूरा का पूरा टी का टर्म स्प्लिट हो गया और हमारे पास ए का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा पूरा स्प्लिट हो जाएगा यानी यम यल पे जीरो हो जाएगा और कंडीशन में क्या हो जाएगा टी टू दी पावर क्या होगा जीरो। इट मीन्स जो दिया गया हमारे पास फंक्शन है जो दिया गया प्रूफ है जो दिया गया फंक्शन के ई स्क्वायर पूरे का अपन जी यम ई टू यम पी क्या है बीमाहीन राशि है क्या डी एल बीमाहीन। इसी प्रकार डीएल हमारे पास दिया है जो ये हमारे पास रेशियो दिया गया है ये क्या अनुपात बताता है डीएल तो इस कंडीशन में क्या है के है कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास होता है कंस्टेंट होता है कंस्टेंट का मान डीएल होता है 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू जो इसका मान होता है डीएल वो होता है 9 इनटू 10 पर क्या हो जाएगा 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या होता है कूलम स्क्वायर ये के का मान होता है डीएल। नेक्स्ट अगला जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन के चार्ज हम लोग जानते हैं क्या होता है 1.6 इनटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। नेक्स्ट अगला प्रोसीजर डीएल क्या हमारे पास जो दिया है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन दिया ग्रेविटेशनल जो हमारे पास कंस्टेंट दिया डीएल उस कंडीशन में दिया 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस क्या होता है 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या होता है कूलम स्क्वायर होता है। सिमिलरली जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है हमारे पास 9.1 इंटू 10 टू पावर क्या होता है -31 के किलोग्राम होता है। सिमिलरली इसी प्रकार हमारे पास मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है डीएल वो होता है 1.67 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा -27 किलोग्राम होगा। हेंस लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डीएल लिखना चाहें तो जो भी हमारे पास वैल्यू दिया गया है इस वैल्यू को पुट पुट कर देते हैं तो के का मान हमारे पास होता है ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग कि 9 इंटू 10 पर क्या जाएगा 9 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया 1.6 क्या दिया 6 दिया इंटू 10 पर क्या दिया है -19 का क्या जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब पूरे का मान हमारे पास दिया है जी जी का मान क्या दिया 6.67 इंटू 10 टू दी पावर क्या -11 और इंटू हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 9.1 इंटू 10 टू पावर क्या दिया है -31 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन दिया है डियर 1.67 इंटू 10 टू पावर क्या दिया है -27 आफ्टर कैलकुलेशन लिखना चाहे तो डियर आफ्टर कैलकुलेशन आफ्टर टाइम डियर निकल जाएगा 2.29 इंटू 10 टू दी पावर क्या निकलेगा 39। इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसका जो वैल्यू है डीएल और इसका जो मान निकलेगा इट्स ओवर डीएल। पर हमारे पास दिया है चार क्वेश्चन नंबर चार में डीएल दिया गया है कि किसी वस्तु पर वैद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है
इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है? स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों की व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तो डियर हम जानते हैं कि कोई भी हमारे पास क्या होता है, चार्ज होता है, कोई भी क्या होता है, आवेश होता है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के गुणनफल के क्या होता है, इक्वल होता है। मीन्स क्या डियर हुआ कि अगर किसी पिंड पर हमें क्या करना, आवेश का गणना करना है, तो डियर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के गुणनफल के क्या है बराबर होगा, वेयर हम बता रहे हैं इसको नंबर ऑफ क्या है इलेक्ट्रॉन, मीन्स का एयर बराबर लिखना चाहें ये हो जाएगा नंबर ऑफ क्या होगा इलेक्ट्रॉन होगा, और जो ई कमांड डियर होगा वो ई कमांड क्या होता है 1.6 इनटू 10 के द्वारा क्या देगा -19 गुना, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं अति सूक्ष्म यानी छोटे से छोटे जो चार्ज का क्या कर सकते हैं गणना कर सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए हम क्या कर सकते हैं किसी भी पिंड पर किसी भी द्रव्य पर क्या कर सकते हैं आवेश का गणना कर सकते हैं, यही इसका पूरा क्लैरिटी है। सिमिलरली इसी प्रकार डियर क्वेश्चन दिया गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया गया, जब कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आता है। इट मीन्स क्या हुआ डियर कि जब भी हम क्या करते हैं कांच को रेशम पे रगड़ते हैं तो क्या होता है आवेशित होता है। इट मीन्स क्या है जो कांच के कुछ इलेक्ट्रॉन है वो रेशम पर चले जाते हैं। इट मीन्स क्या है जो कांच है वो क्या धनावेशित हो गया और जो दिया है रेशम दिया वो क्या हो गया ऋणावेशित हो गया। आगे प्रोसीजर में क्या दिया इसी प्रकार की प्रघटनाओं का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। इट मींस क्या हुआ आवेश संरक्षण सिद्धांत, तो इसको अगर एक्सप्लेनेशन देना चाहें डियर्स तो हमारे पास होगा आवेश संरक्षण सिद्धांत कि हम न ही किसी चार्ज को पैदा कर सकते हैं और न ही उस चार्ज को विनाश कर सकते हैं। इट मींस क्या हुआ डियर बस एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हैं रिप्लेसमेंट कर